हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल इस वीडियो हम क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर यानी ऑपरेशन रिसर्च के असाइनमेंट प्रॉब्लम से जो है कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि जो कि आपको पता होने चाहिए तो असाइनमेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन है एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड एज ए पार्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बिकॉज तो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसको एक पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझाता है क्यों बिकॉज ऑप्शन है द नंबर ऑफ रोज इक्वल कॉलम जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो कॉलम के बराबर होते हैं ऑल एक्स आई जे इज़ इक्वल टू जीरो और वन ऑल रिम कंडीशन आर वन या फिर ऑल ऑफ द एब तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझते हैं क्यों क्योंकि ऑल ऑफ़ द एबब क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कॉलम होते हैं एक्स आई जे इज जीरो और वन होता है या फिर ऑल रिम कंडीशन जो है वो वन होते हैं नेक्स्ट है एन ऑप्टिमल असाइनमेंट रिक्वायर्स दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू स्क्वायर विद जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इक्वल टू द नंबर ऑफ तो जो असाइनमेंट होता है वो किसके लिए क्या चाहिए होता है रो एंड रो और कॉलम रो एंड कॉलम रो प्लस कॉलम माइनस वन या फिर नन ऑफ द एब तो नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू स्क्वायर विद जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इक्वल टू द नंबर ऑफ किसके इक्वल होना चाहिए तो so, ऑप्शन

ऑफ दैट पार्टिकुलर असाइनमेंट टू जीरो या फिर ऑल ऑफ द तो ऑप्शन क्या है मिनिमाइज़ टोटल कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट तो जो इस स्क्वायर पे जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम असाइन किया जाता है वो इसलिए असाइन किया जाता है ताकि जो है टोटल तो कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट को मिनिमाइज किया जा सके नेक्स्ट है द मेथड यूज फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड जो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज होता है उसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेथड है वो रेड्यूस्ड मैट्रिक मैथड मोडी मेथड हंगेरियन मेथड या फिर नन ऑफ द एवअप तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा मेथड है जो कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता तो option है तो करेक्ट ऑप्शन है हंगेरियन मेथड ये असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ ए डमी रो और कॉलम इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू तो असाइनमेंट प्रॉब्लम है जो हम डमी रो या फिर डमी कॉलम यूज करते हैं उसका क्या पर्पज है टू ऑप्टेन बैलेंस टू बिटवीन टोटल एक्टिविटीज़ एंड टोटल रिसोर्सेज सेकेंड है प्रिवेंट अ सोल्यून फ्रॉम बिकमिंग डिजनरेट ऑप्शन सी है प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए डमी प्रॉब्लम या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डमी रो डमी कॉलम क्यों अप्लाई किया जाता है टू ऑप्टेन अ बैलेंस बिटवीन टोटल एक्टिविटीज एंड टोटल रिसोर्सेज हम टोटल एक्टिविटी और टोटल रिसोर्स के बीच में बैलेंस बनाने के लिए डमी रो रोय डमी कॉलम यूज़ करते हैं नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टू ए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय तो जो मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कैसे बाई एडिंग एच एंट्री इन ए कॉलम फ्रॉम द मैक्माइजेशन वैल्यू इन दैट कॉलम या फिर ऑप्शन बी सब्रैक्टिंग एच एंट्री इन ए कॉलम फ्रॉम द मैक्म वैल्यू इन दैट कॉलम या फिर ऑप्शन सी हैच एंट्री इन द टेबल फ्रॉम द मैक्म वैल्यू इन दैट टेबल या फिर ऑप्शन डी एनी ऑफ दिन क्या है सब ट्रैक्टिंग ईच एंट्री इन द टेबल फ्रॉम द मैक्म वैल्यू इन दट टेबल सब्ट्रैक्टिंग ईच एंट्री इन टेबल फ्रॉम मैक्मम वैल्यू इन दैट

ऑप्शन जो दिए हैं से बताना है आपको सिम्प्लेक्स मेथड से ट्रांसपोर्टेशन मेथड से बोथ ए एंड बी यानी सिम्प्लेक्स और ट्रांसपोर्टेशन दोनों मेथड से फिर नन ऑफ द दब तो हम सिम्प्लेक्स या ट्रांसपोर्टेशन से सॉल्व कर सकते हैं नहीं सर कर सकते असाइनमेंट प्रॉब्लम तो अब सी बात है आपने पढ़ा होगा डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम तो उसमें सिंपलेक्स मेथड और ट्रांसपोर्टेशन मेथड दोनों का यूज करके आप सॉल्व करते हैं तो बोथ ए एंड बी कैन बी यूज टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर एस सेल्समैन हु हैज टू विजिट एन सिटीज स्विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ हिज टूर प्लान तो एक सेल्समैन जो एन को एन सिटीज को विजिट करना है उसके लिए क्या प्लान हो सकता है टूर प्लान ऑप्शन है एन फैक्टोरियल ऑप्शन बी एन प्लस वन फैक्टोरी या फिर ऑप्शन सी एन माइनस वन फैक्टोरी या फिर ऑप्शन डी ओनली एन तो करेक्ट ऑप्शन है एन माइनस वन फैक्टोरियल द असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑप्शन है रिक्वायर दैट ओनली वन एक्टिविटी असाइंड इन ईच सोर्स इज ए स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज रिसोर्सेज या फिर ऑल ऑफ द वेब असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है ऑल ऑफ द वेब असाइनमेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रॉब्लम रिक्वायर्स दैट ओनली वन एक्टिविटी असाइंड टू ईच रिसोर्स द इज ए स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज मैक्समस्ट है एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वेयर तो असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है

जो असाइनमेंट एन शुड हैव असाइनमेंट्स इक्वल टू किसके या फिर तो करेक्ट ऑप्शन इज इसके इक्वल होना चाहिए एन असाइनमेंट में टू प्रोसीड विद द मोदी एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम द नंबर ऑफ डमी एलोकेशन नीड टू बी एडेड आर टू प्रोसीड विद द मोदी मोदीथम फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम द नंबर ऑफ डमी एलोकेशन नीड टू बी एडेड आर एन टू एन एन माइनस वन या फिर टू एन माइनस वन तो करेक्ट ऑप्शन है एन माइनस वन एन माइनस वन को जो है एड करना होता है डबे एलोकेशन में द हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन ऑल्सो भी यूज टू सोल्व जो हंगेरन मेथड होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसको हम और क्या उसके लिए हम और किस में यूज कर सकते हैं एड टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है ए एल पी प्रॉब्लम है बोथ ए एंड बी तो करेक्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन इज ए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हम हंगेर मेथड को असाइनमेंट प्रॉब्लम के सॉल्व करने के साथ साथ हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी यूज़ कर सकते हैं एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी ऑप्टेंट ओनली इफ ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ अट असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है कब हम फाइंड आउट कर सकते हैं ईच रो एंड कॉलम हैज ओनली वन जीरो एलिमेंट ईच रो एंड कॉलम हैज एटलीस्ट वन जीरो एलिमेंट द डेटा इज अरेंजमेंट इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर नन ऑफ द अब तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव ऊपर से कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए नहीं है इन असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज ए प्रॉफिट बी ऑप्टिमाइजेशन सी कॉस्ट बी नन तो इन ऑफ ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट हम कुछ पॉइंट देखेंगे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए तो असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाई एनुमेशन मेथड सिंप्लेक्स मेथड ट्रांसपोर्टेशन मेथड हंगेर मेथड ये आपको पता होना चाहिए ये चारों मेथड आपने प्रैक्टिस भी की होंगे पढ़े हुए होंगे इन्हीं से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि आपको एक डेटा दे दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि कैसे ये आया है तो आपको रफ जहाँ पे रफ स्पेस मिला होगा क्वेश्चन बुकलेट वहाँ पे आपको फॉर्म लगा के यूज करके सॉल्व करना होगा जीरोज इज़ द असाइनमेंट टेबल इंडिकेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड शो द पेनल्टी ऑफ नॉट मेकिंग द लीस्ट और बेस्ट असाइनमेंट तो जो जीरो होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो क्या इंडिकेट करता है

इन सच केस डमी रो ऑन कॉलम जब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है तो उस केस में डमी रो या फिर कॉलम जो है वो ऐड किया जाता है मैट्रिक्स में विथ एज द कॉस्ट एलिमेंट टू इन ऑर्डर टू मेक स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम डमी रो कॉलम ऐड करते हैं विथ जीरो एज द कॉस्ट एलिमेंट एंड ट्रेवलिंग सेल्समैन तो एक ट्रेवलिंग सेलमैन जो होता है वो स्टार्ट फ्रॉम हिज होम सिटी एंड रिटर्न बैक विजिटिंग हिज हिस्स सिटी सो दैट टोटल डिस्टेंस जो कॉस्ट और टाइम होता है वो मिनिमम हो तो ये टो ट्रेवलिंग से इसमें से रिलेटेड पॉइंट है तो अनवेलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है जीरो क्या होता है और कौन कौन से मेथड है ये आपको पता होना चाहिए तो ये कुछ हमसे की उसके असाइनमेंट प्रॉब्लम से तो यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो थैंक यू